हर चीज का एक वक्त होता है, फिलहाल ये वक्त फैमिली प्लानिंग का नहीं है। ठीक कहा आपने, हर चीज का एक वक्त होता है, जैसे ये वक्त हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल था, लेकिन आपने इसे मिट्टी कर दिया। कौन है? कौन है वहां? क्या मजाक है, कौन है, कहां है? वहां जहां कल तुम होगी। कौन हो तुम लोग? कोई भी तो नहीं है। झूठ तो नहीं ना कह रही हो? है कोई? मैं नहीं कह रहा कि तुम झूठ कह रही हो, पर सच ये है कि तुमने एक ही बात को अपने आवाज पे इतना सवार कर लिया है कि तुम्हें खुद की आवाज आ रही है। नहीं नादिर, सच कह रही हूँ, कोई मुझे मां कहके पुकार रहा था। आप समझा मैं, तो कल रात जो फैसला किया था वो सही नहीं लग रहा है, तो उसे कवर करने के लिए ये सब ड्रामेबाजी हो रही है, ऐसा ही है ना? तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? मुझे सिर्फ इतना लगता है कि एक छोटी सी सिचुएशन है और तुम उसे कॉम्प्लिकेट कर रही हो। मैंने सच में सुना है उधर कोई, मैं नहीं झूठ कह रही, मेरा यकीन करो। अच्छा ठीक है, सोया वहां कोई नहीं है, पर तुम्हें यकीन नहीं आएगा ना, तो मैं खुद वहां जाता हूँ, देखता हूँ वहां कौन है, तब शायद ये ड्रामा बंद हो जाएगा। नहीं मत बचा लादे। कौन है वहां? कोई है? कौन है यहां पे? कोई है? कोई है क्या यहां? अरे मैं पूछता हूं, कोई है? मैंने तुमसे कहा था ना, कोई नहीं है यहां पे। जाना।
कौन है? मुझे कुछ सोया वहां कोई नहीं है ना, तो कोई था, मुझे किसी ने पुकारा मुझे। सोया तुम्हें कोई नहीं बुला। वह लाल रंग की लाइट थी। हाँ, कोई लाल रंग की लाइट नहीं है और कोई आवाज नहीं आ रही है। झूठ नहीं बोल रही, सच में कोई था। मुझे माँ बोला है, किसी ने मुझे मस्ती नजर आई है। प्लीज ये एक्टिंग करना बंद कर दो। पता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तुम जानती हो सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है तो रात को ये ड्रामा शुरू कर दिया ना तुमने। देखो सोया, तुम एक बार फैसला कर लो, क्योंकि यहां तो सुबह तुम डॉक्टर के पास जाओगी, क्या फिर सोच लो क्या करना है तुमने। मेरा यकीन करें, किसने, मैं बता रही हूं कोई था सच में, मैं पागल नहीं हूं। कुछ वहां मत जाना वरना कभी वापसी नहीं होगी। मेरी तरह मत जाना। नागेश, अरे यार एक तो फिल्म हॉरर, तुम्हें कहा था ना सात मिनट की फिल्म देखो, तुम पीछे फिर रही हो। बात करनी है मुझे आपसे, ये छोड़े ना, बंद करें, बाद में देखेंगे। बात में करेंगे, सीन दे। आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बाद में कर लेना बात, हर औरत की यही प्रॉब्लम है, जब कभी हस्बैंड कहता है सात मिनट की फिल्म देखो तो बात निकल आती है कोई। क्या देखूं मैं, अच्छी लड़ाई हो रही है, खून खराबा, मुझे नहीं देखना है सब कुछ। अच्छा, इट्स अ गुड फिल्म। बंद करें इसे। अरे तुम भी कमाल हो कसम से, बोलो क्या है वो। मैं आज हॉस्पिटल गई थी। क्यों, सब खैरियत, तबीयत खराब है? चेकअप के लिए। आई एम प्रेग्नेंट। क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं आप, खुश नहीं हैं? नहीं, वो मैं सोच रहा था हमने तो प्लान ही नहीं किया, एंड वी ऑलवेज, फिर कैसे? हर चीज 100% प्लान के मुताबिक नहीं होती, कुछ चीजें होनी होती हैं तो बस हो जाती हैं। आप खुश नहीं हैं? बात मेरे खुश होने की है नहीं सोया, बात प्लानिंग की है। अभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रुकना चाहिए। सब जानती हो मैं ना फाइनेंशियली रेडी हूं ना मेंटली रेडी हूं, तो आई थिंक वी शुड वेट। किसी बातें कर रहे हैं आप, रुकना चाहिए क्या, नहीं है हमारे पास, पहले से बेहतर गाड़ी है, पहले से बेहतर घर है, आपकी नौकरी पहले से बेहतर है, सब कुछ तो है। सोया, जिससे तुम बहुत कुछ समझ रही हो ना, बाहर जाकर देखो, वो कुछ भी नहीं है। अरे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और मैं अपनी औलाद को ऐसे बड़ा होता नहीं देखना चाहता कि वो कॉम्प्लेक्सेस के साथ जिए। इसलिए कह रहा हूं हमें इंतजार करना चाहिए।
इंतजार करना चाहिए? मैं आपसे कह रही हूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं और आप कह रहे हैं कि मुझे इंतजार करना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए। आप मतलब समझते हैं इस बात का? मैं अच्छी तरह समझता हूं जोया, मैं क्या कह रहा हूं, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इस बात को यूं मजीद डिस्कस नहीं करते ना, समझ जाओ बस। ठीक कह रहे हैं आप, वक्त लेना चाहिए, लेकिन हमें नहीं, सिर्फ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या कह रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और जो भी कह रहा हूं ना, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच के ही कह रहा हूं। मुझे लगता है अभी हमें वक्त इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें औलाद कब चाहिए, ना कि इसमें कि ये औलाद चाहिए या नहीं। आप मुझे बताएं, आपको क्या गारंटी है कि अगले 5 साल में आप वहां होंगे जहां हो कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अब औलाद कर सकते हैं? जवाब दें, कहां देखते हैं आप अपने आप को आज से 5 साल बाद? मैं नहीं जानता अगले 5 साल में मैं कहां होऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं आज कहां। जिस घर को तुम अपना बड़ा घर कहती रहती हो ना, ये दरअसल हमारा है भी नहीं, किराए का है, और शहर से 21 किलोमीटर दूर है, 21 किलोमीटर दूर, क्योंकि शहर में तो इससे आधा घर लेने की भी औकात नहीं है हमारी। और फिर इसका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, एजेंट के पैसे, फिर इसको सजाना संभालने के बाद मेरे अकाउंट में क्या बचा है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो प्लीज मुझसे आर्ग्यूमेंट मत कर। मैं आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकती। आप मुझे कह रहे हैं कि आपको ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं कल जाके ये सारे मामला खत्म करा दूं, यही कहना चाह रहे हैं ना? लेकिन सारी जान है नादिर, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? अरे एक इंसानी जान ने दुनिया में परेशान होने के लिए आना है ना, तो बेहतर है वो ना आए। जाने या नहीं जाने, माने या नहीं माने, कर्मों का तू फल पाएगा। वैसे कहीं बाहर जाके कॉफी पीने से बेहतर है कि यहीं अपने लॉन में बैठ के कॉफी पी। घर दूर है शहर से, पर सुकून कितना आया। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। वो डॉक्टर से बात हो गई थी मेरी तुम्हारे केस के बारे में, कह रहे थे कि बहुत इनिशियल स्टेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 दिन बाद जाना है उनसे मिलने। आपने मुझसे बात भी नहीं की और डॉक्टर से मिला है? सोया, कल रात को डिटेल में सारी बात की तो है, फिर कोई बात नहीं हुई थी, बस आपने अपनी बात सामने रखी थी। सोया, मैंने बात सामने नहीं रखी थी, फैसला सुनाया था, तो बहुत खुशी होगी अगर तुम उस फैसले को अपना मान लो और मेरा साथ दो। तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं ना थे, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा? एहसास है मुझे सोया, फीलिंग्स भी हैं, पर उनका एहसास है जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मौजूद है, मैं हूं, तुम हो, अब जो मौजूद ही नहीं है। मैं का एहसास है ना जो मौजूद है, मैं तो मौजूद हूं ना, वो मेरे अंदर मौजूद है, तो कैसे उसका एहसास नहीं हो सकता? ज़ोया मत करो यार, मतलब फिर से पूरी बात जीरो से शुरू करनी है? प्लीज यार, मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे आगे, इस चीज को मजीद मुश्किल मत बना प्लीज। गुड नाइट ज़ोया। जाने या नहीं जाने, माने या नहीं माने, कर्मों का तू फल पाएगा। तेरा ये गुरूर एक दिन टूटेगा जरूर, एक दिन सुन ले उस दिन पछताएगा। ये छाया जो सुरूर है तू जिसमें यूं चूर है, नशा जो टूट
समझ आएगा। सोया यकीन करो, मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता। सोया तुम सही वक्त आने दो, फिर हम दोनों मिल गए ते बच्चे को वेलकम करेंगे। दिल में कोई वसवसा नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। तुम सही वक्त का इंतजार क्यों नहीं कर सकती? मुझे इस मौजू पे और कोई बात नहीं करनी। जैसे तुम चाहते हो वैसा कल हो जाएगा। कल ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर जाऊंगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सब को दिल से कबूल करूं, तो ऐसा हर किसी नहीं हो सकता। सोया, दिल से खुश तो मैं भी नहीं हूं, पर क्या करें? मैं तुम्हें समझाया तो है, बताया तो है, पर मैं क्या करूं जब आगे मुझे कोई फ्यूचर दिखता ही नहीं है, कोई गारंटी को। यार तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं? समझ तो गई हूँ और मान भी गई हूँ। कल जा रहे हैं ना, यही चाहते थे ना तुम, चले जाएंगे अब। जहां तक बात रही तुम्हारे और मेरे रिश्ते की, तो फिक्र नहीं कर, वैसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच में दरार है। ना तुम्हें समझेगा, बेकार है उसे पुकारना। मेरा दम नहीं निकला, मरने के बाद भी मेरा दम बाकी है, तो तुम्हारा कैसे निकल सकता है? अजाब के फेर में दम नहीं निकलता। कौन है? कौन है? भाग नहीं सकती तुम, तुम्हारी एक हानि तुम्हें अजाब के उस चक्कर में डाल दिया है जहां से निकलना मुमकिन नहीं है। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे क्यों परेशान कर? कत्ल करने जा रही हो ना तुम? तुम क्या समझती हो तुम इस घर में इत्तेफाक से आगे? नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे हिस्से का अजाब खींच कर लाया है, तुम्हें भी
और तुम्हारे शौहर को भी। ये घर जो आज घर है, ये हमेशा से घर नहीं था, ये तो मकतल है, कतलगाह, जहां मैंने अपनी मर्जी से अपने बच्चे को मारा था। वह बच्चा जो कभी पैदा भी नहीं हुआ। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहती, आज मैं नहीं चाहती, मैं मजबूर। मम्मा ये आवाज मैं 30 साल से सुन रही हूं, उस बच्चे की आवाज जो कभी था ही नहीं, जिसे मेरे पेट के अंदर ही खत्म कर दिया गया था। मैं भी यही समझती थी कि मजबूरी है। वो कहता था ये बच्चा नहीं चाहिए, और मैं उसकी बातों में आ गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम आ रही हो। ये अजाब सिर्फ मेरा तुम्हारा नहीं है, ये अजाब उसके हिस्से में भी आया जो जिम्मेदारियों से भाग कर कातिल बना, और अब तुम्हारे हिस्से में भी आएगा। अगर तुमने ये इंतहाई कदम उठाया तो याद रखना, अजाब में सबका हिस्सा है, सबको मिलेगा। ऐसे यहां क्यों खड़ी हो? तुम्हें कहा था ना तैयार हो जाना, पहले तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ूंगा, उसके बाद ही काम पे जाऊंगा मैं। और तुम, कल रात को आपने एक फैसला लिया और आज मैंने भी एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैं वो सब नहीं कर सकती जो आप मुझसे चाहते हैं। सोया, कल रात को हमने इतनी डिस्कशन की, सब तय हो गया था, तुमने अग्री किया था, फिर अब क्यों? कल रात को जो हुआ वो डिस्कशन नहीं थी, आपकी तरफ से दी हुई डिक्टेशन थी, और आपकी डिक्टेशन मुझे कब बोले? सोया प्लीज इस बात को मजीद कॉम्प्लिकेट नहीं कर, ताकि तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं, क्या आप मुझे छोड़ दे? यही ना, यही डर मेरी माँ को भी था और मुझे भी, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं, किसी किस्म का कोई खदशा नहीं। जहां तक बात है चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की, तो मैं अब मजीद किसी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। मुझे आपका फैसला कबूल नहीं और आपको मेरा इनकार, इसलिए मैं खुद ये घर छोड़कर चले जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ भी समझाने की कोशिश करूंगी तो आप नहीं समझे। कल रात मुझ पर क्या बीती बताने की कोशिश करूंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। सिर्फ जानती नहीं बल्कि मानती भी हूं कि इस बच्चे की जिंदगी हर चीज से बढ़ गया, मेरे और आपके रिश्ते से भी ज्यादा बढ़ गया। मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं। पता है तुम्हारे अल्फाज नहीं है, सिखाया ना किसी ने तुम्हें? ऑफ कोर्स, चलो ठीक है, देखता हूं मैं कब तक तुम्हारे मां बाप तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को पालेंगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूं मैं, उसे थोड़े में खुश रख लूंगी।
आपको यही खौफ था ना कि ये बच्चा कल को बड़े होकर आपसे पूछेगा कि आपने इसके लिए क्या किया। मेरा खौफ ये है कि कल को ये मुझसे पूछेगा कि मैंने इसे मार क्यों दिया। और मेरा खौफ आपके खौफ से बढ़ गया, इसलिए मैं इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी। ठीक है, इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का फैसला तुम कर रही हो, मुझे छोड़ने का, इस घर को छोड़ने का फैसला भी तुम कर रही हो, तो आने वाले वक्त में क्या होगा उसके मुझसे कोई तवक्को मत रखना। मुझे वैसे भी आपसे कोई तवक्को नहीं। हाँ, उस दिन जरूर थी जिस दिन मैंने पहली बार आपके साथ ही न्यूज़ शेयर की थी। मुझे लगा था आप खुश होंगे, मेरी खुशी आपके चेहरे पे होगी और आपकी मेरे चेहरे पे। हम दोनों मिलके इस बच्चे का नाम डिसाइड करेंगे, सोचेंगे ये कौन से स्कूल में जाएगा, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसा बड़ा होगा। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उस दिन आपने मुझे जो रिएक्शन दिया, उसके बाद से मुझे आपसे कोई भी तवक्कु नहीं रही। सुनिए एक आखिरी बात, अगर मेरे जाने के बाद अगर इस घर में कोई भी गैर मुतवक्का हरकत हो तो तौबा करके अपना दिल साफ कर लीजिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, वरना अजाब का एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। पता है जोया, कल रात से अब तक जो कुछ हो चुका है उससे मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि तुम वो नहीं हम जो मैं समझता था, पर इससे ज्यादा मेरी जिंदगी में और गैर मुतवक्को क्या हो सकता है। तुमने जो कहा मेरे दिल ने भी वही कहा था। मैंने अपने दिल की तो नहीं सुनी लेकिन तुम्हारी सुन रही हूं। मैं जानती हूं मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्लीज मेरे जाने के बाद उन्हें कोई नुकसान। Thank you.
कौन है? कौन है? मैं पूछता हूं कौन बोल रहा है? कौन है? मैं पूछता हूं कौन है? कौन कर रहा है ये? बाबा मुझे आपके साथ खेलना था, आपने मुझे क्यों मारा? जवाब सर, कुछ पूछना है वो? तुम भी तो अपने बच्चे को मारना चाहते हो ना? ये सवाल तब से बार बार पूछा जाएगा, क्या जवाब दोगे? बोलो, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? चाहते थे तुम लोगों, हम लड़कियां तो तुम्हारे सामने हथियार डाल देती है, कत्ल का हुक्म सुनाते दिल नहीं कांपता, जैसे इस वक्त तुम कांप रहे हो। किसी की जान लेते हुए डर क्यों नहीं लगता? मुझे माफ कर दो। कहां भाग गए? अपने हिस्से के अजाब से बचकर जहां जाओगे वहां अपने गुनाहों का अजाब पाओगे। ये खौफ तो तुम पड़ता नहीं है? इस वक्त कहां था जब तुम मेरे बच्चे को मार रहे थे? मुझे डरा कर धमका कर मुझे माफ कर दो। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को भी नहीं मारा मैंने। तुम लोगों के शक्लें और नाम सिर्फ अलग होते हैं, लेकिन अंदर से तुम सब एक हो। सिर्फ बातिल, शैतान, तुम लोगों में कोई फर्क नहीं है। तुम सब का मुकद्दर सिर्फ अजाब है। जो उसने मेरे साथ किया था वो तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे हो। जहां आज मैं हूं वहां उसे पहुंचा रहे हो। जो आज मेरा बच्चा है वहां अपने बच्चे को भेज रहे हो। वहां जहां न जिंदगी है न मौत है। मुझे माफ कर दो, मैं जुहे से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैंने बहुत जरूर गलत किया, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत गुमान था। मैं नहीं पता था कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा। आखिर माफ कर दो मुझे। मदर, क्या क्या हुआ है तुम्हें? सोया, तुम सोया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुम जो है, प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाना। इन्हें यकीन करो, मुझे यकीन था कि जब मैं घर लौट के आऊंगा तो तुम यही होगी, मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। सोया, अब यहाँ से चले जाएंगे, इस घर में नहीं रहेंगे हम। इस घर में रहेंगे तो नहीं ना, रहेंगे तो हम इसी घर पे। हमारा बच्चा भी इस घर में होगा और तौबा की शुरुआत कहीं से तो होनी है ना, और वो शुरुआत हम करेंगे। ऐसे ही सब इस अजाब से बाहर निकलेंगे। मैं, तुम, वो बच्चा, वो औरत, अगर कोई कफारा है तो वो यही है। तुम सही कह रही हो, मैं ही गलत था।
मेरी नीयत गलत नहीं थी सुबह। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, कभी नहीं। प्लीज कभी मुझसे बदगुमान नहीं होना। तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता, उनसे भी ज्यादा भरोसा मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर। मैं जानती थी कि आज मैं तुम्हारे साथ ही सब होगा, इसीलिए मैं कहीं नहीं गई। थैंक यू सोया, काफी थैंक यू। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।